बनते जाओ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ओर से महान चिंतक, विचारक और संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष में विशाल जन जागरण, प्रभात फेरियों और जनसभाओं का आयोजन किया गया। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमतीनगर फेज 2 के निकट 1 अगस्त 2017 को आयोजित विशाल रैली और समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी थे। श्री दीक्षित जी ने प्रभात फेरी का नेतृत्व किया। सीएमएस के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी, निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी और अध्यक्ष डॉक्टर गीता गांधी किंगडन भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के साथ इस मौके पर मौजूद थे। प्रभात फेरी में सीएमएस की प्रधानाचार्याओं, शिक्षकगण और 4000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली के बाद श्री दीक्षित ने जनसभा को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहले विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति में चार खंड देखे और व्यक्ति को बताया कि नहीं, चारों से मिलकर ये पर्सनालिटी बनती, चारों का पोषण, चारों की तरफ दृष्टि, चारों का समग्र सम्यक विचार व्यक्ति को बड़ा बनाता है। ऐसे ही देश के बारे में कहा, हमारे देश का जो मन है, हमारे देश की जो प्रकृति है, हमारे देश की जो बुद्धि है, यह सनातन काल से संस्कृति और दर्शन में प्रकट हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बार बार के प्रयोग, हम लोग बिलीवर कभी नहीं रहे, सीकर रहे हैं। बिलीवर माने मानने वाला, अंधविश्वासी, और सीकर माने खोजने वाला। हमारा इतिहास इस देश का लगातार तत्व खोज ही रहा है। श्री दीक्षित ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक महान युग दृष्टा थे और उनके सिद्धांतों और विचारों का अध्ययन करके विद्यार्थीगण राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये भारत एक इकाई है, पूरा एक इकाई, तमाम तरह के रूप, तमाम तरह के रंग, तमाम तरह के चेहरे, तमाम तरह की ऊंचाई, तमाम तरह की निचाई, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ हंसते हुए, कुछ उदास, कुछ भविष्य के प्रति, भारत के भविष्य के प्रति सोचते हुए, कुछ केवल अपने भविष्य के प्रति सोचते हुए, लेकिन सबकी तान, सबका सुर, सबका लय, सबका गीत, सबका संगीत भारत है, भारत माता है। इससे पहले गत 29 जुलाई 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सीएमएस के विद्यार्थियों और शिक्षक गण ने एक विशाल प्रभात फेरी और जनसभा का आयोजन किया। रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और उनके जीवन दर्शन के बारे में जानकारी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने कहा था, उन्होंने कहा एकात्मानवबाद का एक दर्शन दिया। उन्होंने कहा व्यक्ति से लेकर के समिष्टि तक, सृष्टि से लेकर के परमेष्टि तक, और उन्होंने कहा कि बीज से लेकर के पौधे तक, नदी से लेकर समुद्र तक, पहाड़ से लेकर हिमालय तक, और पशु से लेकर के पक्षी तक, सबको जब तक एकात्म नहीं करोगे तब तक जीवन का सुख नहीं मिल सकता है। सबको एकात्म करने में ही जीवन का सुख है। और इसीलिए उन्होंने कहा था, इसीलिए उन्होंने एकात्मानवबाद का दर्शन दिया।
इसलिए मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, ये चार चीजें हैं। तन के सुख के लिए धन धाम चाहिए तो मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, तो बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, तो आत्मा के लिए भगवान चाहिए। जब चारों चीजें मिलेगी तभी जीवन सुखी होगा, अगर एक भी छूटेगा तो जीवन सुखी नहीं होगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित दीनदयाल जिस तरीके से अंत्योदय की बात करते थे, ऐसा लग रहा है कि जब इस प्रदेश, इस देश के बच्चों ने ये काम शुरू कर दिया है तो अंत्योदय जरूर हो जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। और इसमें जगदीश गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, CMS का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस मुहिम को छेड़ना चाहते थे पंडित दीनदयाल जी, आज पंडित दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, जिस तरीके से उस मुहिम को बच्चों ने छेड़ दिया है और बहुत जल्दी ही अंत्योदय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आयोजित एक अन्य प्रभात फेरी और जनसभा में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी माननीय श्री हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा और उनके विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विद्यार्थीगण पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत के विचारों के संवाहक बनेंगे। आदरणीय गांधी जी से और पूरे CMS परिवार को साधुवाद देता हूं कि पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष पे ये जो प्रभात फेरी निकालकर जिसमें हजारों बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रधानाचार्य सभी लोग शामिल थे, और पंडित दीनदयाल के विचारों को लेकर उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत् कार्य किया है, इसके लिए हम हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। और जो बच्चे इसमें शामिल हुए, विशेष रूप से उन सब बच्चों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि वो उन विचारों के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के संवाहक बनेंगे और भारत के भविष्य के संवाहक बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर कुमार अभिषेक जी, ब्यूरो चीफ हैं आज तक के न्यूज चैनल के। एकात्म मानववाद जैसी चीज़ें इस उम्र में आपको, आप तक पहुंच रही हैं, हम तक शायद नहीं पहुंची थी, तो बड़ा योगदान है अगर स्कूल में हमारे ऐसे महापुरुष जो इतिहास में जो छूट गए या जिन्हें छोड़ दिया गया जानबूझ करके, उन्हें हमारे आज के बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें बड़ा योगदान गांधी जी सर को जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप सब बच्चे तमाम विचारधाराओं से अब रूबरू होंगे, तमाम जो महापुरुष हैं उन सबों को पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बातचीत में CMS के संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर जगदीश गांधी ने कहा, आज हमारे देश के एक मनीषी ऐसे महापुरुष हैं जो अनाथ थे, 3 वर्ष की उम्र में पिता की डेथ हो गई, 8 वर्ष की उम्र में माता की डेथ हो गई, 6 मील दूर पैदल जाते थे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए, टाट पट्टी के स्कूल में, और किन कठिनाइयों से वो दिन व्यतीत किए। और वो एक, मैंने एक और इतनी कठिनाइयाँ और दूसरी ओर सब विपत्तियाँ पार करके IAS बने, और तीसरी ओर वो IAS त्याग दिया। कोई भी व्यक्ति IAS का चुनाव जाने के बाद फिर उस लाइफ को छोड़ के समाज में आए और त्याग करे, वो ऐसे कम लोग होते हैं। तो इतना महान जीवन था, और उनका एक ही संदेश था कि हमारा देश सशक्त बने, और ये सशक्त तब बनेगा जब बच्चे इसके चरित्रवान बनेंगे, उनके संस्कार अच्छे बनेंगे, और उनके मन में वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र है वो डाला जाए। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन दिए, कभी रुको नहीं, कभी झुको नहीं, अब बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। CMS की निदेशिका डॉक्टर भारती गांधी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज आपका पूरा दिन इस बात में गुजरेगा, ये संकल्प में गुजरेगा कि मुझे जो अंत में सीढ़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसको कैसे मुझे सुविधाएं दिलानी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और चिकित्सा। ना थको कभी, ना रुको कभी।